बिहार में अनाज से ईंधन बनाने का उद्योग फल फूल रहा है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ मक्के से बायोफ्यूल बनाने को लेकर कई परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य है देश में ही बायोफ्यूल बनाना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। हालांकि मक्का एक पोषण से भरा भोजन का स्रोत है, इसका इस्तेमाल मुर्गियों के चारा और इंसानों के खाने में भी होता है। खाने वाली इस फसल का उपयोग अब ईंधन बनाने में भी हो रहा है, यह ईंधन है इथेनॉल। इथेनॉल को पौधों से बनाया जा सकता है, जैसे मक्का और गन्ना। फर्मेंटेशन की मदद से बायोफ्यूल बनता है। इथेनॉल को पेट्रोल या डीजल में मिलाकर वाहनों को चलाया जा सकता है। इस तरह के ईंधन के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। वर्ष 2018 में इथेनॉल मिलाने के लिए भारत ने एक लक्ष्य तय किया था। यह लक्ष्य 2030 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने का है। हालांकि शुरुआती सफलता के बाद सरकार ने 2022 में ही तय किया कि यह लक्ष्य 2025-26 में ही पाया जा सकता है। इस समय तक देश में लगभग 1016 करोड़ लीटर पेट्रोल की जगह इथेनॉल के इस्तेमाल का लक्ष्य है। इतनी मात्रा में इथेनॉल बनाने के लिए 165 लाख मीट्रिक टन अनाज की जरूरत होगी। साल 2022 में सरकार ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल बनाने का लक्ष्य पा लिया है। यह तय समय से 5 महीने पहले ही पूरा हो गया। 2017-18 में इन्होंने बोला कि क्या हम लोग दूसरा कोई ऑल्टरनेट रॉ मटेरियल यूज करें, ताकि शुगर केन से जितना मात्रा बन सकती है इथेनॉल की, हम उसको सब्सटैंशिएट करें या बढ़ाएं थ्रू अनदर रॉ मटेरियल। तब उन्होंने बोला कि हमारे पास राइस बहुत ज़्यादा है, सरप्लस राइस है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, या FCI के पास बहुत सरप्लस चावल है। उन्होंने बोला कि एक FCI चावल हम यूज़ करें, ब्रोकन राइस यूज़ करें, और उन्होंने बाद में बोला कि मकई को हम यूज़ करके, इन तीनों को यूज़ करके हम और इथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे। और पहले 10% का टारगेट उन्होंने फिक्स किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि 2025-26 में हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे विद पेट्रोल, और ये लक्ष्य लेके फिर पॉलिसीज बनने शुरू हुए। बिहार में शराबबंदी के कई साल बाद इथेनॉल का एक नया इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार में 47 इथेनॉल प्लांट को लगाने की अनुमति दे दी है। इनमें से 32 अनाज से इथेनॉल बनाने वाले हैं। आप अगर बिहार को देखेंगे तो हम लोग एग्री सरप्लस है। हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पे चावल का, धान का, मक्का का उत्पादन होता है, तो इनको देखते हुए, और हमारे यहाँ पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, ग्राउंड वाटर। अगर आप कुछ ऐसे स्टेट्स को देखेंगे, NCR, हरियाणा, तो उधर क्या है, पानी डिप्लीट हो चुका हुआ है, तो हमारे यहाँ पानी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं विच आर वाटर इंटेंसिव इन नेचर, फॉर एग्जांपल आपका शुगर इंडस्ट्री हो गया, इथेनॉल इंडस्ट्री हो गया, डिस्टिलरीज हो गया। हमारे यहाँ तो प्रोहिबिशन है, तो लीकर का नहीं कर सकते, बट इनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इसी पोटेंशियल को देखते हुए बिहार सरकार ने इथेनॉल पॉलिसी 2021 में लेके आए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लांट हमारे बिहार में लगे। इथेनॉल को लेकर 2021 में इथेनॉल प्रोडक्शन और प्रमोशन पॉलिसी लाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इस नीति के तहत राज्य में नए इथेनॉल फैक्ट्रियों को काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सरकार की इस नीति के कारण 17 इथेनॉल प्लांट्स बिहार में, 17 इथेनॉल प्लांट्स बनने चालू हुए, जिसमें से 15 अभी अंडर प्रोग्रेस हैं। इन 15 में से करीब 9 प्लांट ऑलरेडी बन के प्रोडक्शन चालू कर चुके हैं और 6 प्लांट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। इसके अलावा इथेनॉल प्लांट्स में DDGS करके एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जो कैटल फीड में, फिश फीड में यूज़ होता है। तो इथेनॉल प्लांट्स के कारण अब कैटल, पोल्ट्री, फिश फीड के प्लांट्स भी बिहार में और आ रहे हैं, जो DDGS को और मेज़ को यूज़ करेंगे। देश में 60% से अधिक इथेनॉल का उत्पादन गन्ने और मोलेसस से होता है। बिहार के किसान मक्के की खेती करते हैं। राज्य सरकार अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। देखिए, बिहार में इथेनॉल का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, और उसके सबसे पीछे उसकी जो सफलता की कहानी है वो है मक्के का प्रोडक्शन। राज्य में मक्के का उत्पादन राज्य सरकार ने कृषि रोडमैप के तहत लगातार प्रोत्साहित किया, और उसका नतीजा है कि आज हमारे यहाँ मक्का का उत्पादन पिछले 3 सालों में डबल हो गया है,
और डबल उत्पादन होने के कारण इथेनॉल फैक्ट्रीज के लिए जो मक्का चाहिए उसके लिए बिहार सबसे बढ़िया जगह बन करके उभरी है। हमारे यहाँ कई ज़िलों में 70 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होने लगा और वो अपने आप में जो ऑल इंडिया एवरेज है उससे काफ़ी ज़्यादा है और किसानों की आय में भी काफ़ी वृद्धि हुई। जो मक्का वो लोग 25 से 30 क्विंटल हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर कर पाते थे अब 70 से लेकर के 100 क्विंटल तक का उत्पादन हो रहा है और वो उसके लिए राज्य सरकार कई योजनाओं से किसानों को लाभान्वित कर रही है। किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध हो जाए, खाद उपलब्ध हो, किसानों को जो प्रशिक्षण चाहिए वो उपलब्ध हो। ये प्लांट स्टार्ट सितंबर 2023 में हुआ। इसका फीड स्टॉक मक्का है और मक्का जब हम प्लांट लगाने का शुरुआत किए थे तब 12 रुपया था। आज प्लांट स्टार्ट हुआ है और अराउंड आज 24 रुपये 80 पैसा ना, लगभग दुगना से भी ज़्यादा प्राइस हो गया। तो ये डायरेक्टली बेनिफिट टू आवर फार्मर्स। तो इन्होंने इसमें सब्सिडी ज़्यादा ऑफ़र किया, ठीक है, दूसरे स्टेट से ज़्यादा सब्सिडी ऑफ़र किया। इन्होंने दो तीन चीज़ का ऑफ़र किया, एक जो इंटरेस्ट जितना भी लगता है उसका, उनका अप टू 10% ये इन्होंने बोला कि मैं दूंगा, प्लस GST का ऑफ़र किया, प्लस और छोटे छोटे बहुत सारे मैन पावर का कुछ है जो स्किल डेवलपमेंट का, इस तरीके का बहुत सारा चीज़ उन्होंने दिया। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडस्ट्री लगाने में सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है, वो चैलेंज आता है आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे वो क्लियरेंस का। इतने छोटे छोटे जगह का जहाँ जहाँ क्लियरेंस है हर चीज़ का, वो क्लियरेंस में इन्होंने एक स्टैंडर्ड वो बनाया और क्लियरेंस 24 घंटे और 48 घंटे में हुआ, वो किसी स्टेट में नहीं हुआ, वो एक यूनिक चीज़ हुआ। मक्के की बढ़ी हुई मांग ने किसानों को एक नया मौका दिया है, मक्के की कीमत भी बढ़ गई है। इस साल इथेनॉल में जो है कि हम लोग मक्का देने का ये किए और जो है कि पहला किसान हम थे धीरज कुमार जो कि इथेनॉल को मक्का दिए और स्टार्ट किए और पेमेंट भी सही समय पे आ गई। और इस साल सर और बेहतर सोचेंगे कि हम लोग सारे किसान मिलकर के इथेनॉल को सपोर्ट करें और उसमें मक्का दिया जाए। पिछले साल से इस साल मक्का में जो है कि अच्छा खासा वृद्धि आई है जो कि अभी 2300 से 2400 रुपया तक मकई हो गई है। 3-4 साल से पहले से तो वही 1700 1600 5-600 रुपया का तो डिफरेंस आया है सर मक्का में। मक्के की बढ़ती हुई कीमत बिहार और दूसरे राज्यों के लिए चिंता का विषय है। नाउ ऑफ कोर्स इफ वी आर एबल टू मैनेज सक्सेसफुली गेटिंग सम ऑफ दीज हाइब्रिड्स एंड यू नो आवर yields of maize increase much more. Right now I think the average is 2 to 3 tons per hectare. If we are able to bring it up to 8 tons, more than that, then yes, we may be able to produce some amount of surplus. Otherwise right now our maize demand is almost exceeding supply. So if we have to use some for ethanol, the demands are going to be very high. And studies in other countries like the US have shown that this kind of increasing demand increases the prices of food. So if there's a lot of inflationary effect of this. So we might be seeing that in India if the demand for ethanol increases the demand for maize as a food grain. People will want to cultivate more and more of it, but it's going to increase the price of it.